झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बसंत सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्योंकि हेमंत सोरेन फ्लॉप मुख्यमंत्री हैं। पत्रकारों से बात करते हुए रघुवर दास ने कहा है कि अनुभवी मुख्यमंत्री को झारखंड मुक्ति मोर्चा तत्काल बाहर का रास्ता दिखाएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई विधायक ऐसे हैं जो लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं। नलिन सोरेन, स्टीफन मारंडी, लोबिन सोरेन जैसे सीनियर नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं। उन्हें इस पर पहल करनी चाहिए। रघुवर दास ने कहा है कि अगर सोरेन परिवार से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाना मजबूरी है तो युवा बसंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है। 19 महीने के कार्यकाल में हेमंत सरकार में सबसे ज्यादा आदिवासियों के साथ घटनाएं हुई हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की लाचार स्थिति है। आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए ऐसे अक्षम और अनुभवी मुख्यमंत्री को तत्काल बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। रघुवर दास ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है सरकार को ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं और मुख्यमंत्री मूक दर्शक बने हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों से अपील करते हुए रघुवर दास ने कहा है कि ऐसे अक्षम और अनुभवी मुख्यमंत्री को हटाएं। फिलहाल देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जेएम की तरफ से इस बयान पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं।